मैंने कहा जितने भी तरीके आपको टीचर से मिले हर तरीका अप्लाई किया करो, आपको समझ में आ जाएगा किस सवाल में कौन से तरीके से जल्दी सवाल हो सकता है। आपको केवल और केवल सवाल करने से मतलब है, कोई सा भी तरीका लगाओ। तो जितने मैक्सिमम तरीके जब आप सीख रहे होते हैं ना, जब एग्जाम दूर होता है आप सीख रहे होते हो तो मैक्सिमम तरीके सीखा करो। एक सवाल को करने के जितने तरीके आप सीख सकते हो उसको सीखा करो, आपका दिमाग डेवलप होगा, है ना। और उन सारे तरीकों को लगाया करो सवाल में, चाहे आपका एक तरीके से उत्तर आ जाए दूसरा तरीका भी लगाओ, इससे भी आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए। ये जिद अगर आपके अंदर आ गई ना तो फिर तो आपका बेड़ा पार है, ये जिद आनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि आपको जब भी आप चीजों को सीख रहे हो, एग्जाम में नहीं सीख रहे हो, तो चीजों को ईगो पे लेना सीखो, ईगो पे लेना सीखो, यानी कि यार ये सवाल मुझसे क्यों नहीं हुआ, ये मुझसे हुआ क्यों नहीं जब मैं इतना पढ़ रहा हूं, और लगे रहो उस सवाल पे। ये अगर ईगो आ गई ना आपके अंदर सीखते टाइम तो आपका बेड़ा पार है, इस बात को ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे सौ, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे सौ, बहुत टाइम, अरे होने दो खराब यार, पढ़ते टाइम कभी आपका टाइम खराब नहीं होता। आप यार एडिसन का, एडिसन ने आपको पता है ना 100 एक्सपेरिमेंट फेल किए थे बल्ब को बनाने में, कि बल्ब उन्होंने बनाया 100 एक्सपेरिमेंट फेल किए। वो सबने ये स्टोरी सुनी है कि जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, एक रिपोर्टर ने कहा सर आपने 100 एक्सपेरिमेंट फेल किए, आपको अजीब नहीं लगा कि टाइम वेस्ट हो गया मेरा? तो उसने एक बात कही थी कि किसने कहा मैंने 100 एक्सपेरिमेंट फेल किए, मैंने तो 100 ऐसे तरीके सीखे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, मैंने तो 100 ऐसे तरीके सीख लिए जिनसे कभी जिंदगी में बल्ब नहीं बन सकता। तो ये तो सीखा है मैंने, मेरा टाइम वेस्ट मत बोलो इसे, ये मैंने सीखा है 100 एक्सपेरिमेंट से इतना। तो आप ये मत बोलो सर टाइम वेस्ट हो जाता है।